हेलो एवरीवन, सुमन शशिकांत किचन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं दाल मोठ कचौड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, मैदा लिया है मैंने और मैदे में मैंने तेल डाल दिया है और साथ में मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। अब तेल और नमक को अच्छी तरह से मैदे में मिलाना है हथेलियों की सहायता से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से आप करिएगा। इसमें थोड़ी भी गांठ नहीं होनी चाहिए वरना ये अच्छे से गूंदेगा नहीं। ये देखिए, इस तरह से आप इसे चेक कर लीजिए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इसे गूंथ लीजिए। याद रखिए, इसे थोड़ा सा हार्ड ही गूंदना है, इसे पतला नहीं करना है, यानी पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है और पानी थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाना है। ये देखिए, इस तरह से आप हथेलियों की सहायता से इसे गूंदे, थोड़ा सा मेहनत लगेगी। और साथ में हम इसमें थोड़ा सा तेल अब और ऐड करते हैं। हम जितना तेल डालेंगे ये उतनी ही खस्ता बनेगी, यानी कि ऊपर की लेयर उतनी ही क्रिस्पी बनेगी। ये देखिए, इस तरह से आप इसे कर लीजिए। मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से आपको गूंदना है। जब हमारा मैदा अच्छी तरह से गूंद जाता है, तकरीबन 10 से 15 मिनट गूंदना है, फिर अब हम इसे 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। ये है हमारी मोठ, जिसे मैंने रात भर पानी में भिगोया था और पानी से निकाल दिया है। अब मैं इसे दरदरा पीस लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे दरदरा पीस लिया है। बारीक नहीं पीसना है वरना हमारी कचौड़ी बनेगी नहीं प्रॉपर। ये देखिए, इस तरह से मैं भी हथेलियों से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, हाथों से इस तरह से दरदरा होना चाहिए। अब हम एक कढ़ाई ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया, थोड़ा सा जीरा डाल दिया है हमने, नमक डाला है और हमने ये जो दाल को दरदरा पीसा है वो डाल दिया है। साथ में हमने लाल मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से चलाना है और तब तक चलाना है जब तक कि इसका पानी ना सूख जाए। इसमें तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेगा। इस तरह से आप चलाते रहिएगा, इसे छोड़िएगा नहीं। ये देखिए, ये भुरभुरा हो गया है। मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाया है ताकि वीडियो लंबा ना हो। अब हमारा जो मैदा हमने रेस्ट करने के लिए रखा था, मैंने उसे निकाल लिया है और थोड़ा सा हाथों से फिर से गूंथ लिया। ये देखिए, अब बिल्कुल तैयार हो गया है। और जिस साइज़ की कचौरी आप बनाना चाहते हैं उस साइज़ की आप बना सकते हैं। उतनी बड़ी बड़ी आप लोइयाँ इस तरह से बना के रख लीजिए, जैसे कि मैं बना रही हूँ। मैंने ये पूरी लोई तैयार कर ली है। अब मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से करके इसके अंदर फिलिंग भरूंगी। ये देखिए, हथेलियों से थोड़ा थोड़ा अंगुलियों से आपको ऐसा छेद करके इसमें थोड़ा सा होल बनाना है छोटा। जितना मसाला आप भरना चाहते हैं, ज़्यादा कम, वो आप पे डिपेंड करता है, आपके साइज़ पे डिपेंड करता है। ये देखिए, एक्स्ट्रा जो दाल लगी थी वो मैंने निकाल दिया है। अब इसे आराम आराम से बहुत हल्के हाथों से करना है, फिर इसे दबा दीजिए। इस तरह से ये हमारी कचौरी तैयार हो गई है। इसी तरह से हम सारी कचौरियाँ तैयार कर लेते हैं और अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। ये मैंने तेल पहले से गर्म करने रख दिया है। देखिए, इसी तरह से मैं सारी कचौरियाँ डाल दूंगी। ध्यान रखिए, इसे सिम गैस पे, यानी कि गैस की फ्लेम एकदम लो होनी चाहिए। गर्म करने के बाद लो कर देना और तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेगा कचौरियों को अच्छी तरह से डीप फ्राई होने में। आप इसे बीच बीच में पलटते जाइए, आपको छोड़ना नहीं है, ताकि ये दोनों तरफ से अच्छी तरह से क्रिस्पी हो जाए। तेज गैस बिल्कुल नहीं करनी है वरना आपकी कचौड़ियाँ अंदर से कच्ची रह जाएंगी। ये देखिए, इस तरह से मेरी कचौड़ियाँ अब रेडी हो गई है। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए, हमारी कचौड़ियाँ हो गई है रेडी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट